हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त बिप्लब। आप देख रहे हैं अभी बिप्लब टेक्नोलॉजी चैनल। ठीक है, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि देखिए हम लोग का मोबाइल का जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन में हम लोग क्या देखने को मिलता है, इस एप्लीकेशन हम लोग कंपनी के दिए उन लोगों का लोगो, नहीं तो उनका नाम इसमें सेट रहते हैं। लेकिन मैं आप लोग इस वीडियो में दिखाऊंगा उनका लोगो को चेंज करके आपका पसंदीदा लोगो को सेट कर सकते हैं, नहीं तो उनका नाम को चेंज करके आपका नाम को इसमें लिख सकते हैं। वो कैसे लिखना है, कैसे चेंज करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में ए टू जेड दिखाऊंगा। वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और अंत तक देखने के बाद आपको थोड़ी सी उस पोलो एनर्जेटिक लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करने से हम सभी यूट्यूबर को बहुत मोटिवेट मिलते हैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। इसलिए आप लोग सभी यूट्यूबर के वीडियो को लाइक करते रहना, और आप लोग मेरा चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज हमेशा लाता रहता हूँ। आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इंस्टाग्राम आईडी पे भी एक्टिव रहता हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए अभी मैं आ चुका हूँ मेरा मोबाइल का होम स्क्रीन में, और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कोई भी एप्लीकेशन का लोगो को, नहीं तो उनका नेम को कैसे चेंज करना है। इसलिए सबसे पहले आपका मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च ऑप्शन पर लिख लीजिए सुपर पी लॉन्चर। इसमें लिख लीजिए सुपर पी लॉन्चर, लिखने का उसको सर्च कर दीजिए। मैं भी इसमें लिख लेता हूँ सुपर पी लॉन्चर, लिखने का उसको सर्च कर दीजिए। और सर्च करने के बाद देखिए आपका सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को पी लिखा होगा देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपका मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए। मैंने उसको पहले इंस्टॉल करके रख दिया था, अभी मैं इसको सिंपली से ओपन को प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग पहले उसको डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद देखिए ये जो एप्लीकेशन इंटरफेस आपके सामने ऐसा देखने में आएगा। सबसे पहले उसको एंटर को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। अभी देखिए ये वाला एप्लीकेशन अभी आपका मोबाइल पर सेट हो चुका है। अभी इसका एप्लीकेशन का जो इंटरफेस देख लीजिए, जो कि बहुत ही कूल देखने को मिल जाएगा आप सभी को। अभी आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक एप्लीकेशन का लोगो को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो सभी एप्लीकेशन का लोगो को, नहीं तो उनका नेम को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको YouTube का लोगो को चेंज करके दिखा देता हूँ। उसको चेंज करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन को होल्ड करके रख दीजिए, प्रेस करके होल्ड करके रख दीजिए, उसको ला के छोड़ दीजिए। एडिट कर दीजिए, एडिट देखने को मिल जाएगा, एडिट को ला के छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आपका सामने आ जाएगा YouTube का नेम, और YouTube का नेम को आ जाएगा। इसमें देखिए आपका YouTube का लोगों को ऊपर आपका पेंसिल वाला आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पेंसिल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद फ्रॉम पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद उसका परमिशन को अलाउ कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, अभी आप चाहे तो और एक बार आपको प्रेस करना पड़ेगा आपका लोगों को। ठीक है, लोगों को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इसको ऊपर और एक बार प्रेस कर दीजिए, और इसके बाद आपको गैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए। और गैलरी को सिलेक्ट करने के बाद अभी आपका गैलरी में जितना पिक्चर है सभी इसमें आ जाएगा। अभी आप चाहे तो कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद सबसे पहले उसको सेट कर लीजिए, आपके हिसाब से सेट करने के बाद डन को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए आपका पिक्चर अभी सेट हो चुका है। अभी आप चाहे तो उसका नेम को भी चेंज कर सकते हो, और नेम को चेंज करने के लिए नेम के ऊपर पेंसिल वाला आइकन होगा, इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आपका नेम को पहले क्रॉप कर लीजिए, और क्रॉप करने के बाद आपका पसंदीदा नाम को लिख लीजिए, लिखने के बाद ओके कर दीजिए। अभी देखिए इसको लेटर कर दीजिए। अभी देखिए आपका जो YouTube का जो लोगो है ना, लोगो चेंज हो चुका है, आपका नेम वो भी चेंज हो चुका है। इसी तरह आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन का नेम को, नहीं तो उनका लोगो को चेंज कर सकते हो। अभी मैं आप लोग को और एक एप्लीकेशन का लोगो को चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि वाइट स्टूडियो को। इसको होल्ड करके रख दीजिए, प्रेस करके उसको एडिट को ला के छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लोगो को ऊपर टैप कर दीजिए, टैप करने के बाद फ्रॉम पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद अभी आपका गैलरी को सिलेक्ट करके कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी इसको प्रेस करके ये वाला पिक्चर को सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद इसको पहले अच्छी तरह से सेट करके डन को प्रेस कर देता हूँ। अभी देखिए ये भी सेट हो चुका है, अभी ओके कर देता हूँ। अभी देखिए सिर्फ मैं क्या किया, उसको लोगो को ही चेंज किया हूँ। आप चाहे तो कोई भी एक एप्लीकेशन का नेम को, नहीं तो उनका लोगो को चेंज कर सकते हो। और जब भी आपका फ्रेंड ऐसा लुक देखेगा ना, उन लोग चौंक जाएगा। आई होप आप लोग का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी उस पोलो एनर्जेटिक लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज हमेशा लाता रहता हूँ।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।